दोस्तों आज हम बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन को जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं। स्ट्रोक में दो किस्म के हैं, एक इस्कीमिक है और एक हेमरेजिक है। इस्कीमिक स्ट्रोक में जैसे मैं कहा था कि ब्लड फ्लो जो है ब्रेन को जाने वाला ब्लड फ्लो कम या ख़त्म हो जाता है, और इसी तरह हेमोरेजिक स्ट्रोक में वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। जब स्ट्रोक हो जाता है तो मरीज़ के एक साइड की बॉडी का लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, यानी पैरालिसिस हो जाता है। अब जानना ये चाहिए कि किस वजह से स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक होने के कारण है हाई ब्लड प्रेशर, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर, डायबिटीज़ मेलिटस, हेवी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, सीवियर हेडेक, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये सब रीजंस हैं स्ट्रोक के लिए। और स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट को क्या क्या होता है, क्या तकलीफ़ें होती हैं। जैसे ही स्ट्रोक हो जाता है तो उसको हेमिप्लीजिया हो जाता है और वो बेड रिडन हो जाता है, बेड सोर्स होने लगते हैं। स्ट्रोक की वजह से लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, जैसे यूरिन का कंट्रोल नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे परेशानियां होते हैं। स्ट्रोक के लिए ग्रीको चाइनीज़ मेडिसिन में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिसके इस्तेमाल करने से ब्रेन के जो पर्टिकुलर पार्ट में सेल्स जो मर गए थे, ब्लड फ्लो ख़त्म हो गया था, उस ब्लड फ्लो को ओपन करता है और वहाँ के सेल्स रीजेनरेट होते हैं और वो हेमिप्लीजिया से ठीक हो जाता है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जी सकता है। और वो जड़ी बूटियाँ हैं, एक है हांगुआ जिसे इंग्लिश में सैफ्लोवर फ्लावर कहते हैं 2 ग्राम, टावरेन जिसे पीच कर्नल कहते हैं 2 ग्राम, ची शाओ जिसे अंग्रेज़ी में रेड पियोनी रूट कहते हैं 3 ग्राम, हुआंग की जिसे इंग्लिश में मिल्क वेट्स रूट कहते हैं 100 ग्राम। इन सब जड़ी बूटियों को मिलाकर इसका डिकॉक्शन बनाया जाता है और उस डिकॉक्शन को सुबह में 100 ml और रात में 100 ml देने से स्ट्रोक सही हो जाता है। और है एक्सटर्नल थेरेपीज जैसे चाइनीज़ एक्यूपंक्चर है, हर्बल पेस्टिंग थेरेपी है, कपिंग है, लावा स्टोन थेरेपी है, स्टीम थेरेपी है, लीच थेरेपी है। इन सब थेरेपियों से जो हेमिप्लीजिया है वो सही हो जाता है और ये पेस्टिंग थेरेपी से जो क्लॉट है, जो क्लॉट या हेमरेजिक ब्लीडिंग की वजह से जो क्लॉट हुआ था, उन सबको ख़त्म करके नॉर्मल कर देता है।